कर्नाटक के पूर्व सीएम बसव राज बोम्मई ने मंगलवार को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बारे में बड़ा दावा किया है। पूर्व सीएम बसव राज बोम्मई ने मंगलवार को संभावना जताई कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने ही अंतर्विरोधी के कारण गिर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल में आंतरिक मतभेद हैं और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया व उप मुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में फूट पड़ सकती है और इसका असर राज्य की सरकार पर भी पड़ सकता है। कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत में वरिष्ठ भाजपा नेता मुम्बई ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, यदि आप कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट नहीं देते हैं तो मेरे लिए बने रहना मुश्किल होगा। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि लोगों ने ये सोचकर कांग्रेस को वोट दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हालांकि आपको निराश किया गया और आने वाले दिनों में मैं सीएम बनूंगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री ने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि अपने बच्चों को मैदान में उतारा। ये इस बात का संकेत है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और सरकार में कई मुद्दों पर आंतरिक मतभेद हैं। सरकार में लंबियां हैं और चुनाव के बाद वो एक बार फिर अपनी गतिविधियां शुरू कर देंगे। आपको बताते चले कि पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में धर्म से लेकर हर प्रकार से कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक के लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा और भाजपा को शिकस्त दी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब उनके ही सीएम पर हर सरकारी विभाग में 40% कमीशन लेने के आरोप लगे और इसके बाद सदन और सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और भाजपा सरकार के खिलाफ पेसीएम नाम का कैंपेन चलाया। साथ ही कर्नाटक के हर शहर में तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा किया था। बाद में जब चुनाव हुए तो भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस कर्नाटक के चुनाव की सफलता का श्रेय डीके शिवकुमार को दिया गया।